फिट ऑफ फायर फाउंडेशन सुंदरनगर में फैमिली फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें 3 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के बुजुर्गों ने भाग लिया। फैशन शो में सुंदरनगर के व्यवसायी बाबू पंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्हें आयोजन समिति ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जजमेंट पर डॉक्टर नेहा गोयल, जो कि हाल ही में ओपेरा मिस इंडिया ग्लोबल 2018 की फर्स्ट रनर अप रही, के सामने सभी ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रथम कथक नृत्य तव फिट ऑफ फायर के एमडी अमित भाटिया भी निर्णायक मंडल की भूमिका में रहे। इस कार्यक्रम में परफेक्ट जोड़ी का खिताब जितेश शर्मा और कंचन व एक्टिव जोड़ी विकास गुप्ता और शबनम के नाम रही, जबकि इस मौके पर अमित भाटिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का पहला एक ऐसा इवेंट है जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े कपल भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए ये एक ऐसा प्रयास है जिससे बच्चे अपने माता पिता सहित प्रदेश का नाम रोशन कर बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं। वहीं मौजूद समय में भी कई बच्चे बड़े बड़े पर्दों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल का एक पहला फैशन शो साबित हुआ है जिसमें बुजुर्ग कपल ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग मंच पर सिर्फ नौजवानों को शो करते देखते थे, लेकिन आज जब वो खुद स्टेज पर पहुंचे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वहीं इस शो में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इवेंट करवाया, उसका नाम अ फैमिली फैशन शो रखा था। उसमें 3 साल से बच्चे से लेके 70 साल तक बुजुर्गों ने भाग लिया, और इसमें कपल ने भी भाग लिया, मिसेज ने भी भाग लिया। तो जो इसमें बच्चों का टैलेंट हमने देखा, उनको हम काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। और हमारे सुंदरनगर में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है और कपल भी है। सर, आज तक आपने देखा होगा, कभी भी मेरे हिसाब से मैंने ना यूट्यूब में ना कहीं देखा कि किसी एक सीनियर सिटीजन का एक इवेंट हो। तो हम हर जगह देखते थे कि बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो हमारे इवेंट देख रहे थे। और हम लोग कल बैठे थे, कल हम बुजुर्ग का इवेंट देख रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि ऐसा एक अच्छी चीज़ हमारे यहाँ पे हिमाचल में हुई, सुंदरनगर में हुई।